मित्रों, आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर है। मित्रों, अभी नीट की परीक्षा हो रही है, NEET की, और भी कई परीक्षाएं हो रही हैं। अब देखिए, बड़ा एक माहौल जो है उसको बनाने की कोशिश, उसका प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि परीक्षाएं किसी भी तरीके से ना हो पाए। अभी देखिए, सब जानते हैं कि कुछ ही टाइम पहले शिक्षा नीति के अंदर बदलाव हुए हैं और नई शिक्षा नीति आई है। अब नई शिक्षा नीति के अंदर तो कोई वीक पॉइंट्स, कोई कमज़ोर कड़ी निकाल नहीं पाए। अब इनको लगा कि क्या करें, कैसे हम लोग न्यूज़ में आए, कैसे हम लोग हाईलाइट हों, तो नया ही विषय उठा दिया। मित्रों, लगभग देखा जाए तो 25 लाख के करीब परीक्षाएं में विद्यार्थी जो है वो भाग लेते हैं हर वर्ष। अब मित्रों, मान लीजिए अगर ये परीक्षाएँ इस वर्ष ना हो के अगले वर्ष हो जाती हैं, तो मित्रों 25 के 50 संख्या हो जाएगी। अब 50 लाख संख्या में से अगर मान लीजिए सीट्स जिस पे उनका सिलेक्शन होना है केवल 10,000 है, तो जब 25 लाख में भी 10,000 सीट्स का सिलेक्शन होना था और 50 लाख पे भी केवल 10,000 सीट्स का ही सिलेक्शन का प्रावधान रहेगा, तो क्या ये उचित है कि देश को किस तरफ धकेलने का प्रयास कर रही है पार्टी? मित्रों, बड़े गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये विषय जो है मित्रों, इतना सरलता से छोड़े जाने वाला नहीं है। सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि देखिए, जो नियम बनाए गए हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए, उनके पालन करते हुए अगर कहीं कोई सकारात्मक कार्य हो जाता है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, बात कर रहे हैं कांग्रेस, अभी 15 माह में मध्य प्रदेश में कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर पाई थी। अन्य राज्यों में भी आप देख रहे हैं इनकी जो कारनामे हैं, सामने एक एक करके उजागर हो ही रहे हैं। तो जब एक पार्टी का कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये तो मैकाले द्वारा बनाई हुई पुरानी शिक्षा नीति पर काम कर रहे थे जो कि अंग्रेज़ों ने बाबूगिरी करने के लिए बनाई थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा कोई देश का व्यक्ति तरक्की करे। अगर हमारे देश के लोग तरक्की करते, उद्योग हमारे तरक्की करते, हम आत्मनिर्भर होते, तो विदेशों का सामान कैसे यहाँ पर आता? हमारा माल ही अगर हम यूज़ करते रहते। उनकी तो कभी लक्ष्य और कभी उनकी नियति ही नहीं थी कि हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करे और आत्मनिर्भर बने। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।